तो एलिवेशन से मुराद क्या है एलिवेशन का मतलब ये है कि जो शख्स है आ, वो एग्जिबिट करेगा ऐसे सिम्टम्स जिसके अंदर उसका मूड बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा चेयरफुल होगा ठीक है और आ, ये रिपोर्ट किया जाएगा कि मोस्टली जो उसकी रूटीन लाइफ है उसमें जो उसका मूड होता है उससे वो डिफरेंटली रहा है। बायपोलर के अंदर आ, जब हम बात करते हैं तो इसमें हम उसकी मैनिक फेस की भी बात करते हैं हाइपोमेनिक फेस की भी बात करते हैं और डिप्रेशन की भी बात करते हैं अब ये तीन चीज़ों की हम बात क्यों करते हैं बिकॉज इन अ बायोपोलर डिसऑर्डर वी हैव टू कैटेगरीज बायपोलर वन डिसऑर्डर एंड बायपोलर टू डिसऑर्डर जो बायपोलर वन डिसऑर्डर होता है उसमें मीनिया और डिप्रेशन और हाइपोमीनिया के सिम्टम्स मौजूद होती हैं इन अ फॉर्म ऑफ एपिसोड्स जब हम बाइपोलर टू की बात करते हैं तो उसमें हाइपोमीनिया और डिप्रेशन की सिम्टम्स मौजूद होती हैं इन अ फॉर्म ऑफ एपिसोड्स सो जनरली हम बात करेंगे uh, पहले सबसे कि जो सिम्टम्स हैं मीनिया की वो किस तरह एक शख्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है उसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है या रिपोर्ट की जाती है वो जो उसका एनर्जी लेवल है उसमें सडन चेंज होता है अब सडन चेंज कैसे होता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है वो मिसाल के तौर पर अगर उसने कोई काम शुरू किया है तो एक दिन के अंदर वो बहुत ज़्यादा काम कर लेगा ठीक है अगर उसने घर को धोना शुरू किया तो वो एक रूम या दो रूम की बजाय पूरा घर धो देगा ठीक है और ये उसके ऐसा बिहेवियर या एक्ट होता है जो यूजुअल लाइफ के अंदर उसका नहीं होता ठीक है और ये सडन होता है देन उसका जो मूड है वो बहुत तेज़ी से शिफ्ट करता है कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और एकदम से ही वो रोना शुरू कर देगा एकदम से ही वो चीखना चलाना शुरू कर देगा एकदम से वो हंसना शुरू कर देगा तो इस किस्म का जो मूड चेंज है वो उसके अंदर रिपोर्ट किया जाता है इसके साथ साथ उसकी जो स्पीच है वो आपको डिस्टर्ब लगेगी किस तरह कि आपको फ्लाइट ऑफ़ आइडियाज़ जो हैं वो उसमें नज़र आएंगे फ़्लाइट ऑफ़ आइडियाज़ का क्या मतलब है कि रैपिड थॉट्स एक के बाद दूसरा थॉट जैसे कहते हैं रेसिंग थॉट्स तो इस किस्म के जो रेसिंग थॉट्स हैं वो उसके आपको नज़र आएंगे इसके साथ साथ मीनिया में आपको ग्रेंडियासिटी जो है डिलुजन ऑफ ग्रेंडियासिटी नज़र आएगी ठीक है या आप ये कह लें उसे कि हाईटेंड सेल्फ इस्टीम जो है उसकी इन्फ्लेटेड सेल्फ इस्टीम जिसे हम कहते हैं वो आपको नज़र आएगी इसका क्या मतलब है कि वो अपने आप को कोई बहुत अजीम हस्ती जिसे कहते हैं वो समझना शुरू कर देगा इन अदर वर्ड्स वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन समझना शुरू कर देगा वो ये समझेगा कि उसके लिंक्स हैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ या वो एकदम से बहुत ज़्यादा अपने आप को अमीर समझना शुरू कर देगा बहुत ज़्यादा जो बातें हैं वो ऐसी करेगा हाँ अगर आप कल्चरल कॉन्टेक्स में बात करें तो वो कुछ लोग ऐसे भी सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं जिसमें वो खुद को पैगम्बर या ओलिया या, या आलम जो है वो खुद को डिक्लेर करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो इस किस्म के जो ग्रेनडियाटी का रिलीजन है वो भी आपको उसमें नजर आना शुरू होगा इसके साथ साथ साइकोसिस के सिम्टम जब हम साइकोसिस कहते हैं तो उसका मतलब क्या है साइकोसिस का मतलब यह है दैट द पर्सन इज एक्सपीरियंसिस डलुन एंड हलूसिनेशन यानी डल्यून ऑफ ग्रैंडियोसिटी उसके अंदर है इसके साथ साथ हो सकता है डल्यून ऑफ रेफरेंस भी हो या पैरानोया डलुन भी हो कोई और डलून भी हो सकता है लेकिन डोमिनेंट डलुन जो है वो ग्रैंडियोसिटी का डल्यून होता है इसके साथ साथ हलुसिनेशन यानी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस में उसे स्टिमुलस uh, फील हो जैसे उसको कोई आवाज़ें आ रही हों जैसे हम ऑडिटरी हलूसिनेशन कहते हैं या उसको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हों जैसे हम विजुअल हलूसिनेशनस कहते हैं तो इस किस्म के कोई भी हलूसिनेशनस जो हैं वो उनको एक्सपीरियंस कर सकता है तो बायोपोलर डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है जिसको देख कर आप कहोगे कि किसी शख्स को बायोपोलर डिसऑर्डर हो सकता है वेन द पर्सन इज़ रिपोर्टिंग कि उसको एक एपिसोड जो है आ, वो हुई है आ, मेनिया की जिसमें उसका मूड रिलेटेड है और एक एपिसोड जो है वो उसको डिप्रेशन की हुई है जिसमें उसका मूड लो है आमतौर पे ये प्रॉब्लम जो है ये बच्चों के अंदर मैनिफेस्ट होता है बट बिफोर फाइव टू सिक्स यर्स जो है इसकी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट एबसेंट है और ज़्यादातर जो इसका ऑनसेट है वो एडोलसन की एज में आता है थैंक यू